कार स्क्रैप करवाने से ऑनर को क्या क्या फायदे होंगे? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके अपनी गाड़ी किसी की भी गाड़ी जाके स्क्रैप करवा देगा, नहीं। जिसके पास उस गाड़ी के सर्टिफिकेट्स होंगे और उस गाड़ी का लाइसेंस होगा वही उस गाड़ी को स्क्रैप करवा पाएगा, अन्यथा वो स्क्रैप नहीं होगी, उसे गवर्नमेंट ऐसे ही रख लेगी। तो पहले ही बोल रहा हूँ, अगर जिसके पास भी अगर 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी है तो भैया उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड और बाकी सभी चीज़ें जैसे कि इंश्योरेंस जो भी करवाए हैं, गाड़ी के व्हीकल्स के कागज, आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, तभी वो गाड़ी को स्क्रैप करेंगे, अन्यथा वो ऐसे ही रख लेंगे, ख़त्म हो जाएगा किस्त में। और अगर मैं बात करता हूँ कि भैया कार स्क्रैप पॉलिसी करवाने से ओनर का क्या फ़ायदा होता है, तो ओनर का ये फ़ायदा होता है कि उसको तो पहले कार स्क्रैप करवाने का पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उस कार स्क्रैप करवाने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के अंदर आपको जाना होगा शोरूम और शोरूम में जाकर दिखाना होगा वो सर्टिफिकेट, तो उसके साथ आपको 5% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 5% आपको डिस्काउंट मिल रहा है उस सर्टिफिकेट के साथ। उसके अलावा आपको क्या होगा, उसके साथ ही आपको रोड टैक्स में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप स्क्रैप करवाने के बाद कोई नई गाड़ी उठाते हैं तो उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो बिल्कुल नहीं लगे, उन्हें माफ़ कर दी जाएगी। वैसा तो लिखा हुआ है लेकिन कब तक चलेगा पता नहीं, अगर स्क्रैप गाड़ी करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल माफ़ हो जाएगी। नई गाड़ी अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल लेने जाते हैं तो बाकी सब चीज़ें ये की यही रहेगी, लेकिन उसके साथ जो रोड टैक्स है वो माफ़ हो जाएगा, यानी माफ़ नहीं 15% का उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा होने वाला है जिसकी गाड़ी स्क्रैप में जा रही है।